आपके पास में यूरोप की नेशनलिटी हो सकती है, लेकिन आप किसी भी रीजन से अपने नॉन ईयू फैमिली मेंबर को अभी तक वहाँ नहीं बुला पा रहे। हो सकता है कि लैंग्वेज बैरियर के कारण ना बुला पा रहे, या हो सकता है जो सैलरी का क्राइटेरिया वो मैच ना हो रहा। तो पुर्तगाल के अंदर में एक ऐसा प्रोविजन जिससे कि आप नॉन ईयू फैमिली मेंबर को पुर्तगाल में ही नहीं बल्कि यूरोप की दूसरी कंट्रियों के अंदर में भी बुला सकते हो थ्रू दी आर्टिकल 15/37 के तहत। ये जो प्रोग्राम है स्पेसिफिक नेशनल प्रोग्राम नहीं है, ये यूरोपियन ट्रीटी का यानी कि यूरोपियन गवर्नमेंट की ओर से प्रोग्राम जो है डिजाइन किया गया तमाम उन यूरोपियन नेशनल्स एंड देयर नॉन ईयू फैमिली मेंबर्स के लिए आर्टिकल 15/37 के तहत। आप अपने नॉन ईयू फैमिली मेंबर्स के अंदर में किन लोगों को कवर किया जा सकता है? आपका स्पाउस, आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन और आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि स्पाउस को जर्मन जैसी कंट्रियों में लैंग्वेज करनी पड़ती है आने के लिए, लेकिन आपका स्पाउस जो है लैंग्वेज नहीं कर पा रहा, या फिर स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे जैसी कंट्रियों के अंदर में सैलरी का क्राइटेरिया इतना हायर है कि आप सैलरी में क्राइटेरिया में मैच नहीं कर पाते और अपने स्पाउस को वहाँ पर नहीं बुला पा रहे। चिल्ड्रंस के केस के अंदर में अप टू 21 ईयर या फिर मैक्सिमम 18 ईयर तमाम यूरोप की कंट्रीज अलाउ करती है, उससे अगर बच्चों की एज जो है एक्सीड हो जाती है तो आप वहाँ पर नहीं बुला पाते, लेकिन पुर्तगाल के अंदर में आप उनको 26 ईयर तक भी कवर कर सकते हैं। डिपेंडेंट पेरेंट्स को बहुत सी कंट्रीज जो है अलाउ नहीं करती, लेकिन पुर्तगाल के अंदर में आप अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स को भी आर्टिकल 15/37 के तहत इनवाइट कर सकते हैं। सिर्फ पुर्तगाल में नहीं इनवाइट कर सकते, बल्कि पुर्तगाल में इनवाइट करने के बाद आप यूरोपियन ट्रीटी के अंदर आप अपनी होम कंट्री या अपनी डेस्टिनेशन, अपनी होस्ट कंट्री के अंदर में भी उनको लेके जा सकते हैं। बुलाने का प्रोसीजर एंड स्टेप्स क्या है? इसके अंदर में तीन स्टेप्स हैं। तीन स्टेप्स के तहत आप उनको इनवाइट कर सकते हो, बुला सकते हो। स्टेप नंबर 1 के बीच आपको पुर्तगाल के अंदर में एज एन ईयू नेशनल आके रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। जैसे ही आप पुर्तगाल के अंदर में एज ए ईयू नेशनल रजिस्टर्ड करते हैं अपने आप को, जो कि विद इन 1 वर्किंग डे आपको 5 साल का रेजिडेंस टाइटल या 5 साल का रेजिडेंस सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो सर्टिफिकेट लेने के बाद में आपको 3 महीने तक पुर्तगीज कम्युनिटी के साथ में पुर्तगीज कमर्शियल कनेक्टिविटी दिखानी होती है। उसके बाद में आप एलिजिबल हो जाते हो अपनी नॉन ईयू फैमिली मेंबर्स को इनविटेशन भेजने के लिए, और आपकी जो फैमिली यहाँ पे आती है आती उनको 5 साल का जो रेजिडेंस टाइटल है, 5 ईयर का जो रेजिडेंस टाइटल है आर्टिकल 15/37 के तहत मिलता है। वो रेजिडेंस टाइटल लेने के बाद में आप अपनी उन फैमिलीज को यूरोप की किसी भी कंट्री के अंदर में शिफ्ट कर सकते हो, जिसका बेनिफिट ये होगा कि आपके आपका जो बैरियर है लैंग्वेज का वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, सैलरी का जो बैरियर है वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। सो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी उन तमाम नॉन ईयू फैमिली मेंबर्स को यूरोप के अंदर बुलाने की पुर्तगाल के रूट से आर्टिकल 15/37 जो आपको है ये अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। इसके अलावा अगर आप यूरोप की किसी भी कंट्री में लिविंग रिलेशनशिप पे रह रहे हैं, आपकी मैरिज नहीं हुई, तो उन केसेस के अंदर में भी आप पुर्तगाल के अंदर में ये प्रूफ देते हो कि पिछले 2 साल से आप अपने पार्टनर के साथ में रह रहे हो इवन विदाउट मैरिज, तो आपको 5 साल का रेजिडेंस टाइटल जो है मिल सकता है आर्टिकल 15/37 के तहत। इसके लिए हमारी टीम की ओर से एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन भी तैयार की गई है कि स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है कैसे इनिशिएट होता है, कैसे मूव फॉरवर्ड होता है आर्टिकल 15/37 का पुर्तगाल में उन यूरोपियन नेशनल लोगों के लिए जो कि अपने नॉन ईयू फैमिली मेंबर्स को पुर्तगाल के अंदर में बुलाना चाह रहे हैं, उसके बाद में यूरोप की किसी भी कंट्री में शिफ्ट करना चाह रहे हैं।